वो बोलती ही चली गई शादीकांत नहीं सुना तो कुछ नहीं सुना अमेरिका के एक छोटे से शहर में रहने वाले जॉर्ज स्मिथ को लगता था कि उसकी पत्नी सबसे नकारात्मक और अंतर्मुखी स्वार्थी औरत थी जॉर्ज के अनुसार वो शुरू से ऐसी नहीं थी क्योंकि अगर वो शुरू से ही ऐसी होती तो वो उससे कभी भी शादी नहीं करता जॉर्ज ने अदालत में जज से कहा ऑनर शादी के कुछ दिनों तक तो मैं वही सब करता रहा जो मेरी पत्नी कहती थी और हमारे घर में सब कुछ ही मेरी पत्नी के कहे अनुसार होने लगा लेकिन धीरे धीरे मैंने भी ना कहना शुरू कर दिया विवाद होने लगे लेकिन मेरे ना कहने से वो विवाद झगड़ों में बदल गए बस इसीलिए उन्होंने तलाक की अर्जी दी जज ने उसकी तरफ ध्यान से देखा और कहा कि आपको कुछ और कहना है जॉर्ज ने आगे कहा यौरानर मैं ये तो नहीं जानता कि देश के अन्य राज्यों में तलाक कैसे होते हैं लेकिन हमारे इस राज्य में तलाक के लिए अर्जी देने वाले व्यक्ति को या पति पत्नी दोनों को ही अदालत में खड़े होकर तलाक का कारण बताना होता है मैंने तो कारण बता दिए अब जज ने जॉर्ज की पत्नी को कटघरे में बुलाया और कहा आप तलाक का क्या कारण बताना चाहती है उसकी पत्नी ने कहा ऑनर मैं और मेरे पति दो अलग अलग इंसान हैं हम एक से नहीं हैं जज ने कहा ये कारण काफी नहीं है सभी पति पत्नी एक दूसरे से किसी हद तक अलग ही होते हैं पत्नी ने कुछ सोचा और फिर कहा हम एक दूसरे से सहमत नहीं होते हैं मैं हर चीज़ को अलग अलग रंगों में देखती हूँ लेकिन इनको तो हर सरफ सब कुछ काला ही दिखता है मेरा कहने का मतलब है कि मैं हर चीज़ को उसकी गुणवत्ता के आधार पर ठीक या गलत कहती हूँ लेकिन मेरे पति को तो बस हर बात में इनकार करना ही आता है और इनको मेरी अब कोई भी बात पसंद नहीं आती जज ने कहा कुछ उदाहरण दीजिए जॉर्ज की पत्नी ने कहा मैं उबले अंडे खाती हूँ और जॉर्ज को फ्राई अंडे पसंद हैं मैं नीला रंग पसंद करती हूँ और ये चाहते हैं कि मैं हर समय गुलाबी कपड़े पहनूं। मैं सुबह सुबह दौड़ना पसंद करती हूँ और ये सुबह नौ बजे तक सोते हैं मैं कुत्ता पालना पसंद करती हूँ और जॉर्ज को तो कुत्तों से नफरत है मैं घर में इधर उधर काम करते समय गुनगुनाती हूँ पर ये तो जैसे महात्मा बुद्ध के शिष्य हैं और इनको मौन रहना पसंद है मैं दफ्तर में काम करना चाहती हूँ लेकिन ये चाहते हैं कि मैं घर पर ही रहूँ और घर के काम ही करूँ मैं किताबें पढ़ती हूँ तो ये मेरी किताबों को उठाकर हमारे कमरे से बाहर रख देते हैं मुझे लोगों को घर में बुलाकर उनकी खातिर करना पसंद है लेकिन जॉर्ज को अकेले रहना ही पसंद है मैं सबसे बातें करना पसंद करती हूँ लेकिन जॉर्ज चाहते हैं कि मैं उसके सिवा किसी और से बात ही ना करूँ मैं सुबह शाम मीट मांस मछली खाना पसंद करती हूँ लेकिन जॉर्ज को सिर्फ शाकाहारी भोजन ही चाहिए होता है। मैं अपने माता पिता से मिलने हर हफ्ते उनके घर जाती हूँ और उनके भी अपने घर बुलाती हूँ पर जॉर्ज को अपने माता पिता से मिले तीन वर्ष हो गए जबकि उसके माता पिता हमारे घर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं। मुझे हर रात प्रेम करना अच्छा नहीं लगता है पर जॉर्ज तो जैसे पशु है और इसको हर रात को ही शरीर चाहिए होता है मैं कभी कभार एक दो पैक विस्की के पी लेती हूँ लेकिन ये कहता है कि औरतों को शराब नहीं पीनी चाहिए मैं एक नौकरानी रखना चाहती हूँ लेकिन जॉर्ज कहता है कि हमारे घर में कोई तीसरा इंसान नहीं घुसेगा मैं चाहती हूँ कि हमारा जल्दी से एक बच्चा हो जाए लेकिन ये कहते हैं कि कम से कम पाँच साल तक मैं बच्चे के बारे में सोचूं भी नहीं जच्छा है अब आप ही बताइए कि अगर शादी से पहले मुझे ये सब कुछ मालूम होता तो क्या मैं ऐसे इंसान से शादी करती क्या आप ऐसे मर्द को इंसान की श्रेणी में रख सकते हैं क्या मैं ग़ुलाम हूँ अब जब के पास कोई विकल्प नहीं था पर उन्होंने तलाक के कागज पर हस्ताक्षर करने से पहले कोने में बैठे जॉर्ज को देखा जो बिना किसी बात से प्रभावित हुए खिड़की से बाहर देख रहा था जज के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी उसने जॉर्ज की तरफ दया भरी दृष्टि से देखा और कागज पर हस्ताक्षर कर दिए